फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इंटर वर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में अपने नाम के जैसा ही एक दमखम और एक बहुत बड़ा स्टॉक बनने जा रहा है स्टॉक। इसलिए इस चैनल पर इस वीडियो में आज हम लोग इंटर वर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यदि देखेंगे तो तकरीबन 5% का अपर सर्किट भी इस स्टॉक में आपको लगते हुए दिखा है। ठीक है, दिक्कत यह है कि अभी इसमें कुछ कारणों की वजह से ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है, सस्पेंडेड है, लेकिन बहुत जल्द ये स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि जब ट्रेडिंग शुरू हो तो सही समय पर आप इसमें एंट्री ले सकें। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस कंपनी में आखिर ट्रेडिंग बंद क्यों है। तो इसके लिए हम लोग आ गए हैं बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर, और बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो इस यहाँ पे इंटर वर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ALF ड्यूज। ALF ड्यूज का मतलब होता है एनुअल लिस्टिंग फी। आपको पता है कोई भी स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्टेड होता है तो उसको सालाना फी देना होता है एक्सचेंज को। ये कंपनी सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड है, लेकिन बीएससी का जो मामूली फीस होता है लिस्टिंग का, वो भी पे नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इसमें सेबी और जो इसके एक्सचेंज है जिस एक्सचेंज पर लिस्टेड है और साथ में जो सेबी है जो पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है, इसने इस स्टॉक को मतलब सस्पेंडेड कर रखा है। इसमें ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, इसमें ट्रेडिंग अभी बंद है। तो अभी कायदे से आपको वेट करना होगा, लेकिन चूंकि अब इस कंपनी की कमाई बढ़ने लगी और इंटरनल जो न्यूज निकल कर सामने आ रहा है उसके बेसिस पे पता चला है कि बहुत जल्द ये कंपनी जो इस कंपनी का ALF ड्यूज है, यानी कि जो एनुअल लिस्टिंग फीस है, उसको पूरा करने जा रही है और पूरा कर देगी। तो इस कंपनी में फिर से जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, और एक बार ट्रेडिंग शुरू होगी तो ये स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी को डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी लंबी अवधि में निवेश करने के लिहाज से कैसी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस कंपनी के काम को समझ लेते हैं। कंपनी काम क्या करती है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कंपनी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, आईटी से संबंधित काम करती है और डिजिटल सिनेमा सर्विसेज भी साथ में एक कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो मोटा मोटी ये समझे तो कंपनी आईटी से रिलेटेड क्षेत्र में कंपनी कामकाज करते हुए नजर आती है। और आपको पता है कि आईटी सेक्टर का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, इसलिए इंटर वर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी सी कंपनी है और इसको यदि सही समय पर हम उठाएंगे तो आगे चल के काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे। फंडामेंटल समझ लेते हैं। मार्केट कैप देखेंगे तकरीबन 20 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूशन है, बहुत छोटी कंपनी है। शेयर प्राइस 42 पैसा है, जो कि बुक वैल्यू से इसके कम है। ये थोड़ी सी निगेटिव बात हो जाती है यहाँ पर। दूसरी सबसे निगेटिव बात है कंपनी का जो ROCE है और जो ROE है, यह भी देखेंगे तो माइनस में है, यानी कि कम से कम ROE और ROCE ये दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए। भले ज़्यादा नहीं होता लेकिन पॉजिटिव में होता तो एक मतलब प्लस पॉइंट होता है इस स्टॉक के लिए। कोई बात नहीं, जैसे जैसे कंपनी का फंडामेंटल बेहतर होगा तो ये चीज़ें भी कंपनी के प्लस में हो जाएंगी। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि हमें कहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस को उठाना है। तो अभी देखिए, अभी आ गए हैं 3 साल के चार्ट पर, और 3 साल के चार्ट पर देखेंगे तो ये जो इसके लिए सपोर्ट है 0.3 पैसे, ये काफ़ी मेजर सपोर्ट है। बार बार इस सपोर्ट के पास आ रहा है लेकिन इस सपोर्ट को ये स्टॉक तोड़ नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि इस लेवल को ये स्टॉक तोड़ेगा नहीं, और यहाँ से जब जब प्राइस नीचे आया यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही उठाया। और देखिए, अभी सबसे कमाल की बात है कि इस लेवल से प्राइस ऊपर निकल गया और अभी इसके एक कदम ऊपर 40 पैसा पे आके स्टॉक का प्राइस 40 पैसे से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब पहले जो ये सपोर्ट था, अब इसके ऊपर के सपोर्ट पर ये स्टॉक सपोर्ट लेने लगा है और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके फिर से ऊपर उठाया। अब देखिए, ये प्राइस ऊपर उठेगा, उठने भी लगा है, और बहुत जल्द आपको 50 पैसा के लेवल पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर जब 50 पैसा के लेवल पर आकर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और फिर यहाँ से सपोर्ट लगे जब प्राइस ऊपर उठेगा तो बहुत जल्द आपको 70 पैसा से ऊपर निकलेगा और 1 रुपये तक आपको जाते हुए इस कंपनी का शेयर प्राइस दिखेगा। आसान भाषा में मैंने बताया कैसे कैसे इस स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो सिर्फ प्राइस ही ऊपर नहीं जाएगा, कंपनी का जो फंडामेंटल है, जो आपको फंडामेंटल कमज़ोर होते हुए दिखा है, फंडामेंटल भी आपको मजबूत होते हुए दिखेगा। और जब फंडामेंटल मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है ये तेज़ी सस्टेन करेगी, लंबी अवधि में एक मोटा वेल्थ आपको बना के देगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो बातें थी मैंने आपको बताई। अब बताते हैं कि आपको इसमें उठाना कहाँ पे। जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे मतलब 50 पैसा से ऊपर थोड़ा सा निकलते हुए दिखने लगे, यहाँ पे आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि क्वार्टरली रिजल्ट को हम डिस्कस कर लें, जहाँ पर यह पता लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे जो कंपनी का सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो धीरे धीरे कंपनी का सेल्स आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी पहले जहाँ 1 लाख 2 लाख, अब वहाँ 3-3 लाख का कंपनी का सेल्स होने लगा है। हालांकि सेल्स भले बढ़ा, लेकिन कंपनी चूंकि मैंने बताया कि कर्जे काफ़ी ज़्यादा हैं तो अभी प्रॉफिट में नहीं आई है। अभी भी देखेंगे तो कंपनी लॉस में ही, हालांकि अच्छी बात है कि लॉस बढ़ रहे, पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लॉस सेम ही रह रहे हैं। धीरे धीरे अब ये लॉस चूंकि सेल्स बढ़ने लगा है, कंपनी के पास पैसा आने लगा है, तो लॉस कम होने लगेगा।
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को यदि हम डिस्कशन कर लें कि इस कंपनी में प्रमोटर्स कितने हैं, तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो प्रमोटर्स सिर्फ इस स्टॉक में 10-11% के आसपास हैं, बाकी ज़्यादातर जो शेयर्स हैं पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास तकरीबन 90% के आसपास स्टॉक्स हैं। तो पेनी स्टॉक में सामान्यतः पब्लिक ही ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल बात यह है कि इंटरवल डिजिटल एक बढ़िया स्टॉक है, जैसे इसमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा तो और भी इसमें नए नए बायर्स आएंगे और इसके प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।